Hey guys, welcome back to my channel. This is Divya Aggarwal. So, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ मेकअप टिप्स जिनसे आपको काफी हेल्प मिलेगी एक अच्छा मेकअप लुक क्रिएट करने में. ये बहुत बेसिक मेकअप टिप्स हैं जो मैंने सीखी हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से. तो आई एम श्योर आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. बट बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्ट टिप इज टू मेक श्योर दैट योर स्किन इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर मेकअप. आपको मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करना है. एक्सफोलिएट योर स्किन, यूज अ गुड टोनर, यूज अ गुड मॉइस्चराइजर. क्योंकि अगर आप ये सारे स्टेप्स करते हैं तो आपके मेकअप को एक बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा कैनवस मिलता है जिसपे आपका मेकअप बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है. चाहे आप एक ऑयली स्किन फैमिली से हैं, चाहे एक ड्राई स्किन फैमिली से हैं, आपको अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए मेकअप से पहले, ताकि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और वो बहुत ही अच्छा दिखे, बहुत अच्छे से ग्लाइड हो पाए आपकी स्किन पे. जस्ट लाइक योर लिप्स, अगर आपके लिप्स जो हैं वो फ्लेकी होंगे, आप उन पे लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो वो बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं होगी. सिमिलरली आपके फेस के साथ भी ऐसा ही होता है. अगर आपका फेस वेल मॉइस्चराइज नहीं होगा और वो आपकी जो ड्राई स्किन है आपके मेकअप को अच्छे से ग्लाइड नहीं होने देती है आपकी स्किन पे. सो मेक श्योर कि आप अपने स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करें बिफोर योर मेकअप. If you want to invest in a single makeup product, go for a foundation rather than a BB cream, because इसके बहुत सारे reasons हैं. First तो ये कि आपको आपके skin tone से matching का foundation मिल जाएगा, क्योंकि BB और CC creams में इतने सारे shades available नहीं होते हैं. Secondly, अगर आपको lesser coverage चाहिए तो आप lesser amount use कर सकते हैं foundation की. Foundation को use करके आप अपनी ही BB cream भी बना सकते हैं जिसमें आपको foundation में थोड़ा सा moisturizer add करना है और आप इसके coverage को share down कर सकते हैं. प्लस अगर आपको ज्यादा कवरेज चाहिए तो आप फाउंडेशन को बिल्ड भी कर सकते हैं एज पर योर डिजायर. पर अगर आप बीबी क्रीम को बिल्ड करेंगे तो ये बहुत केकी दिखता है. ये सिर्फ आपको नॉर्मल कवरेज देता है एवरीडे के लिए. अगर आप किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं तो बीबी क्रीम को आप अच्छे से बिल्ड नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा केकी दिखेगा. पर फाउंडेशन को आप बीबी क्रीम की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड फॉर एनी ग्रैंड इवेंट या ग्रैंड ओकेजन आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से. And this way you will be able to make the maximum use out of your product अगर आप foundation को ही use करें BB cream और foundation की तरह. तो If you have large pore issues, before starting your makeup, use an ice cube on your face, rub it on your face. You can also wrap it in a cotton cloth and then rub it on your face. इससे क्या होगा कि आपके जो pores हैं वो minimize हो जाएंगे और आपके pores ज्यादा visible नहीं होंगे, जिससे आपका makeup भी बहुत ज्यादा long lasting हो जाएगा. When you are applying makeup, you are applying multiple layers on your face. So after each and every step, just take a break. आपको क्या करना है, when you apply a moisturizer on your skin, just wait for 2-3 minutes to let it absorbed into your skin. क्योंकि आपको आपकी स्किन पे मॉइस्चराइजर की एक लेयर नहीं चाहिए. आपको चाहिए कि आपका जो मॉइस्चराइजर है वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से सीप इन हो जाए, फिर उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे चलिए. जैसे जब आप प्राइमर लगाएंगे तो गिव इट सम टाइम ताकि आपकी स्किन पे सेट हो जाए और उसके बाद ये जब आप बेस मेकअप अप्लाई करोगे तो उसको ये अच्छा सा स्मूथ कैनवस प्रोवाइड करे. तो आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स. When you are applying makeup on your face, you are working in layers, and when you are working in layers, try to apply thin layers because thicker layer gets slipped easily. ये बहुत easily slip हो जाती है. अगर आप एक thick layer लगाएंगे primer की, उसके ऊपर आप thick layer लगाएंगे foundation की, तो वो बहुत easily slip हो जाएगा. जैसे आप अगर nail paint apply करते हैं तो अगर आप first coat ही thick लगा लोगे तो उसके ऊपर जब आप second coat लगाओगे तो वो easily slip हो जाता है. इसी तरह से अगर आप एक थिन कोट लगाते हैं नेल पेंट का और उसके बाद उसके ड्राई होने के बाद जब आप सेकंड कोट लगाते हैं नेल पेंट का, थिन लेयर अप्लाई करते हैं, तो आपका जो नेल पेंट है वो बहुत अच्छे से अप्लाई होता है. सिमिलरली अगर आप एक थिन लेयर लगाते हैं प्राइमर की अपने फेस पे और उसके बाद थिन लेयर्स में वर्क करते हैं तो आपका जो मेकअप है वो बहुत अच्छे से बिल्ड होगा. अब चाहे तो आप अपनी डिजायर्ड कवरेज के अकॉर्डिंग अपने बेस मेकअप को बिल्ड कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में आपको थिन लेयर्स ही यूज करनी चाहिए, थिन लेयर्स ही अप्लाई करनी चाहिए, ताकि आपका जो मेकअप है वो स्लिप ना हो और वो अच्छे से टिका रहे आपके फेस पे.
When your mascara is dried, do not add water into it. क्योंकि अगर आप इसमें water add करेंगे तो वो इसके formulation को affect करेगा, इसका formulation जो है उसको खराब कर देगा. Instead of adding water into it, आप क्या कर सकते हैं कि take a glass of hot water और आप उसमें अपने mascara को इस तरह से dip कीजिए, तो इस water की जो heat होगी उससे आपका ये जो product है ये melt हो जाएगा और बहुत अच्छे से work करना start कर देगा. Now next step is you don't need to invest in a spoolie. अगर आपके पास एक mascara है जो खत्म हो गया है तो आप उसकी wand को wash करके spoolie की तरह use कर सकते हैं. ये बहुत अच्छे से आपके eyebrows को comb करता है. So yeah, that was it for today's video. I hope आपके लिए ये video helpful रही होगी. Do let me know in the comment section below आपको ये video कैसी लगी. If you like this video, give it a big thumbs up. Share it with your friends. Don't forget to subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.